चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। गाइस कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी होम रेमेडी जो कि आपकी स्किन से रिंकल्स फाइन लाइंस को दूर करके आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन को पहले से ब्राइटन करेगी। गाइस ये जो रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसका रिजल्ट काफी अच्छा मिलेगा आपको। बहुत सारे लोगों को ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है कि इतनी कम उम्र में ही जो है ना रिंकल्स फाइन लाइंस स्किन पर बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन काफी क्रीम्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल है, हम वो ले लेते हैं लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता बिकॉज उनके अंदर काफी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि उसका जो गुड इफेक्ट है ना वो आने नहीं देते स्किन पर। ठीक है, तो जो होम रेमेडीज होती हैं वो पूरी तरह से सेफ होती हैं, आप उसको बेझिझक यूज कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि मार्केट की कोई क्रीम यूज नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, बट पीछे उसकी क्रीम जो भी होती है ना उसको चेक करना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और वो केमिकल फ्री है या नहीं है, पैराबिन फ्री है या नहीं है। ठीक है गाइस, लेकिन आज हम बात करें एक होम रेमेडी की, तो बढ़ते हैं होम रेमेडी की तरफ, देख लेते हैं कि इसको हमने कैसे रेडी करना है, कैसे इसको अप्लाई करना है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में छोटू सा बेल आइकन आ रहा होगा उसको प्रेस करोगे तो आपको सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा रिंकल्स एंड फाइन लाइंस हो गए हैं, आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा डार्क होता चला जा रहा है, स्किन डल दिख रही है और आप चाहते हो कि आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग हो जाए, रिंकल फ्री हो जाए, थोड़ा कॉम्प्लेक्शन फेयर हो जाए, तो उसके लिए जो फॉर्मूला आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसके लिए मेरे हाथ में आप देख रहे हो ये वन पीस पपाया। ठीक है ना, आप देख सकते हो पीछे इसका पील है। आपने एक छोटा सा पीस जो है ना पपाया का लेना है, वॉश करना है, पील ऑफ करना है और इसको ग्रेट करके इसका पल्प आपने लेना है। गाइस पपाया जो है ना ये एंटी रिंकल प्रॉपर्टी से भरपूर होता है, इसलिए ये आपकी स्किन से फाइन लाइंस को, रिंकल्स को दूर करता है और स्किन को बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड सपल बनाता है, तो ये पूरी तरह से बेनिफिशियल होता है हमारी स्किन के लिए। तो मैं इसको फटाफट से क्रश करके ले लेती हूँ। ये देखिए पपाया को जो है ना मैंने ग्रेट करके लिया, तो काफी अच्छा हो गया ये। ठीक है, बहुत इजीली ग्रेट हो जाता है, तो आप इसको आराम से ग्रेट कर सकते हैं या ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर सकते हैं या फॉक की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट फॉक के साथ काफी टाइम लग जाता है। तो कम से कम ये एक चम्मच है पूरा, ठीक है, इतना आपने यहाँ पर लेना है। अब जो नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ वो है कॉर्नफ्लावर। गाइस कॉर्नफ्लावर जो होता है ना ये हमारी स्किन से रिंकल्स फाइन लाइंस को दूर करता है, हमारी स्किन जो बुढ़ापे की शिकार होती चली जा रही है उसको जो है ना कम करता है, आपकी स्किन को रिजुनवेट करता है, स्किन से एकदम से जो स्कार्स वगैरह होते हैं ना उनको कम करने लगता है, आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा सूद एंड बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट भी दिखती है। तो यहाँ पर मैं वन स्पून ले रही हूँ। नेक्स्ट इसके अंदर ऐड कर रही हूँ रोज वाटर वन स्पून। गाइस रोज वाटर बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देता है स्किन को, स्किन के लिए काफी बेनिफिशियल रहता है, तो रोज वाटर यहाँ पर मैंने वन स्पून लिया है। अब इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से ये तीनों चीजें मिक्स हो गई हैं और हमारा ये पेस्ट फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया है। आपने क्या करना है, अपने फेस को पहले क्लीन करना है और फिर इस फॉर्मूला को आपने लेकर अपने पूरे फेस पर लगाकर फेस की मसाज करनी है कम से कम 2 मिनट तक। ठीक है ना, अपर डायरेक्शन में फेस की मसाज कीजिएगा, स्किन बहुत ही ज्यादा आपको सॉफ्ट दिखेगी फर्स्ट टाइम में तो, और फिर जब आप इसको रेगुलर बेस पर फॉलो करोगे तो आपके रिंकल्स फाइन लाइंस कम होते चले जाएंगे, स्किन जो है ना काफी ब्राइटन होना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि कॉर्नफ्लावर है इसके अंदर, कॉर्नफ्लावर जो है वो स्किन व्हाइटनिंग प्रॉपर्टी से भरपूर होता है, तो ये आपके कॉम्प्लेक्शन को भी ब्राइटन करेगा। तो बस और कुछ नहीं करना, अगर आप इस फॉर्मूले को वीक में 3 से 4 बार फॉलो करते हो तो आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स कम होंगी और आपकी स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी प्लस ग्लोइंग हो जाएगी। बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक दीजिए एंड कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं, वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका तो नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगी। ठीक है, मिलूंगी आपको फिर से एक अच्छे से मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।